अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेल्ट कराची के मेन गेट पे और आज आपको हम विजिट कर रहे हैं प्रीसेंट 19 के अंदर जो फ्लैट्स हैं बहरिया के। बहरिया ने वहाँ पे 950 स्क्वायर फीट के 2 बेड और 2250 स्क्वायर फीट के 3 बेडरूम और 4 बेडरूम दिए हैं और तकरीबन पिछले 8-10 साल से यहाँ पे आबादी भी आ गई है। सो आए जी, आपको मैं उसका इनसाइट टूर कर रहा हूँ। इस वक्त मैं बेल्ट कराची के मेन गेट में मौजूद हूँ। ये जी इसकी मेन एंट्रेंस और यहाँ से आगे जी आपको मैं इनसाइट टूर कराता हूँ बेल्ट कराची के प्रिज 19 के फ्लैट्स का। सो जी, सुबह सुबह का टाइम है और सिक्योरिटी चेक देख रहे हैं। बहरिया के यहाँ पे गार्ड मौजूद है, हर कार्ड पे ई टैग लगा हुआ है तो उसको एंट्री अलाउ है, नहीं है तो फिलहाल ये जो लाइन है ये हमारी विजिटर लाइन है। यहाँ पे हर कार को स्कैन किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे गाड़ी को एंट्री अलाउ है। सो जी, मेन गेट सेंटर होते हैं ये सबसे पहले हमारी यहाँ पे तौहीद स्क्वायर है, बहुत बड़ा राउंड अबाउट है और मेरे लेफ्ट राइट साइड के ऊपर आपको जो हाई रेज दिख रही हैं ये सारी की सारी जिना एवेन्यू कमर्शियल के नाम से हैं और यहाँ बेल्ट कराची ने ग्राउंड प्लस 18 की परमिशन दी हुई और मोस्टली यहाँ पे सारे के सारे कमर्शियल ऑफिस बने हुए, वो यहाँ पे डिफरेंट रियल एस्टेट वाले बैठे हुए, बिल्डर भी हैं और बहुत सारी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। और जो इसके लेफ्ट साइड वाली ये जो आपको लाइन दिख रही है ये सारी की सारी कमर्शियल पट्टी है और जो राइट साइड वाली आपको जो हाई रेज दिख रहे हैं इसमें मोस्टली फ्लैट्स है, यानी रेजिडेंशियल फ्लैट्स बने हुए हैं। सो जी, ये हम लोग अभी अपने जिना एवेन्यू के ऊपर चढ़ गए हैं। ये आपको लेफ्ट साइड के ऊपर जितनी बिल्डिंग दिख रही है सारी की सारी कमर्शियल है, ग्राउंड प्लस 18 और ऑफिस ये हैं उसमें। यहाँ पे कॉल सेंटर भी बन गए हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के ऑफिस हैं। और राइट साइड के ऊपर जो हाई रेज दिख रही है ये सारे के सारे रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं। ये AQ हाइट्स है, अब्दुल कासिम का प्रोजेक्ट, आगे भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन मोस्टली यहाँ पे सारे के सारे रेजिडेंशियल फ्लैट्स बने हुए हैं और डिफरेंट बिल्डर ने यहाँ पे खुद बनाया है। ये कोई बहरिया टाउन की कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये प्राइवेट बिल्डर ने, भले वो कमर्शियल करना हो या भले रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाने हो, सारे प्राइवेट बिल्डर ने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। तो जिना एवेन्यू के ऊपर आते ही ये जो आपको पहला यूटर्न दिख रहा है जिस पे हाइट लिमिट 7 फीट की लिखी हुई है, यहाँ से हमने अपार्टमेंट पे आने के लिए यूटर्न लेना है। ऑलमोस्ट गेट से कोई 500 या 700 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर ही आपको पहला यूटर्न मिलता है। ये जी हम अपना यूटर्न ले रहे हैं। और यूटर्न लेते ही आपने अपनी गाड़ी को एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर रखना है क्योंकि आपने यूटर्न लेते ही फॉरन लेफ्ट की तरफ मुड़ना है अगर आप फ्लैट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। हॉस्पिटल के आगे इस जगह पे आपको जो लोग बैठे हुए दिख रहे हैं ये स्टॉप बना हुआ है इनका, जो बेल्ट कराची के अंदर इलेक्ट्रिक बस का स्टॉप है वो यहाँ पे, ये इसका बस स्टॉप देखा आपने। और ये जी लेफ्ट के ऊपर अभी हम फ्लैट की एंट्रेंस के ऊपर आते हैं। यहाँ पे अगेन एक सिक्योरिटी चेक है अगर आपने फ्लैट्स के अंदर एंटर ना, ये जी रोड 1, यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे और आपने अगर टावर 1, 2, 3, 4 पर जाना है वो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर नज़र आ रहे होंगे और आप अगर टावर 13, 14, 15, 16 उनकी तरफ जाना है तो ये आपने राइट लिया। अगेन सेकंड सिक्योरिटी चेक, यहाँ से आप इंटर होंगे फ्लैट्स की तरफ। सो जी, इस रोड के ऊपर आपको मेरे दोनों तरफ अपार्टमेंट ही दिख रहे हैं, ये सारे के सारे 2 बेडरूम हैं जो कि बेल्ट कराची ने 950 स्क्वायर फीट पे दिए हुए हैं और ये सारे टावर आपको ग्राउंड प्लस 6 देख मिलेंगे। अच्छा, हर टावर के अंदर 2 पैसेंजर लिफ्ट लगी हुई है और 1 कार्गो लिफ्ट लगी हुई है कि कोई बंदा भी यहाँ पे मूव इन या मूव आउट करता है उसको कार्गो लिफ्ट से अपना सामान ऊपर लेके जाने या नीचे आने के लिए वो अलग से लिफ्ट बनी है, जो जिसकी कैपेसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ी है और जो पैसेंजर लिफ्ट है उसकी कैपेसिटी कम है। यहाँ राइट साइड के ऊपर एक छोटा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर फुटबॉल और बास्केटबॉल टाइप एक्टिविटीज़ हैं। ओके, लेफ्ट साइड के ऊपर ये अब आपको जो टावर दिख रहे हैं
टावर 6-7 ये 3 बेडरूम के हैं, टावर नंबर 5-6-7 ये तीनों के तीनों 3 बेडरूम, और थोड़ा सा आगे जाएंगे टावर 8 दिखेगा वो आपको 4 बेडरूम है। सेक्शन 19 के अंदर बैठने की अच्छी चीज़ की भी है कि लोगों की सहूलियत के लिए सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको मेरे सामने इस वक्त बहरिया की सेक्शन 19 की जो मस्जिद उमर है वो नज़र आ रही है। ये राइट साइड के ऊपर इनका फैसिलिटेशन सेंटर है, अगर आपको बैठने के अंदर कोई भी कंप्लेन है रिगार्डिंग पानी बिजली गैस के या सिक्योरिटी के कोई भी मामलात हैं तो आप इसको आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। ये जी बहरेटन कराची का फैसिलिटेशन सेंटर, आपको कोई भी अगर कंप्लेन है इन फ्लैट्स के हवाले से तो आप इस फैसिलिटेशन सेंटर में आके कर सकते हैं। ये जी इनकी जामा मस्जिद ऑफ प्रिशन 19 और साथ ही इसकी ड्रीम मार्ट, ये प्रिशन 19 का जी छोटा मार्ट है, सुबह 10 से रात 10 बजे तक एक्टिव रहता है। यहाँ कोई भी 19 के फ्लैट्स को अपनी ग्रॉसरी करनी है इस जगह पर कर सकते हैं। और ये मस्जिद के साथ ये टावर 8 जो आपको दिख रहा है ये 4 बेडरूम है, प्रिशन 19 के अंदर एक वाहिद ही है ये टावर 8 जो कि 4 बेडरूम दिया हुआ है, और टावर नंबर 5-6-7 ये 3 हैं जो कि 3 बेडरूम हैं, इनके अलावा जितने भी टावर हैं ये सारे के सारे 2 बेडरूम यानी 950 स्क्वायर फीट। एक तो ये आपको मेरे राइट लेफ्ट के ऊपर सर्विस जो सर्विस रोड है उसके ऊपर ही पार्किंग दिख रही है, आपने राइट साइड के ऊपर भी खाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। सामने आप अगर बाइक्स हैं तो वो बाइक्स को अंदर अलाउ नहीं करते वो, बल्कि आपको फ्लैट के जो बाहर की सर्विस एरिया है यहाँ पे ही आपको बाइक पार्क करनी है, बाइक्स को फ्लैट के अंदर की जो कंपाउंड है उस जगह पर पार्किंग अलाउ नहीं है। और मैं आपको दिखाता हूँ काफ़ी स्पेस है यहाँ पर पार्किंग के लिए, आपको मेरे फ्लैट के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको छोटे छोटे ग्रीन पैच भी मिल रहे हैं। और ये जी हम फ्लैट के इस वक्त इंटर हो चुके हैं और अपार्टमेंट के सेंटर में इन्होंने एक बहुत खूबसूरत छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, पार्क बनाया हुआ है, गार्डन भी है और पार्क भी यानी ग्रीनरी भी किया हुआ है, और इस जगह पे बच्चों के खेलने के लिए झूले भी बने हुए हैं। और ये आपको जी पार्किंग फ्लैट के चारों तरफ आपको प्रॉपर इन्होंने मार्क किया हुआ है कि जी ये कार्गो लिफ्ट दिख रही होगी आपको, ये जी अगर कोई भी आपका यहाँ पर रेजिडेंट मूव इन या मूव आउट करता है तो वो इस कार्गो लिफ्ट से अपना सामान लेके आ सकता है। ये आपको पार्किंग दिख रही है, ये जी अगर आपके बच्चों के पास साइकिल वगैरह है तो वो साइकिल का स्टैंड अलग इस जगह पे लगाया हुआ है। सो हर चीज़ को स्पेसिफिक किया हुआ है, ये नहीं कि आप कोई बंदा कहीं भी चीज़ पार करे। सो साइकिल की अलग पार्किंग है, गाड़ियों की अलग पार्किंग है। अगर आपने सीढ़ियों से आना चाह रहे हैं कम उसके लिफ्ट के बगैर तो भी आ सकते हैं। ये जी 2 लिफ्ट इस जगह पे लगी हुई हैं, 2 लिफ्ट इसके दूसरी साइड के ऊपर है और सेंटर में इसकी एक कार्गो लिफ्ट है। सो टोटल 4 पैसेंजर लिफ्ट और एक कार्गो। ये जी हम लोग अपार्टमेंट के मेन कॉरिडोर में एंटर हो गए, आइए आपको मैं इसके एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। अगर आपने यहाँ कचरा फेंकना तो बहरेटाउन के अंदर कोई वो कचरे वाला सिस्टम नहीं है कि कचरे वाला आएगा और लेके जाएगा, बल्कि इन्होंने यहाँ पे गारबेज कटर बनाया हुआ है और यहाँ पे आके आपने इस जगह से अपने गारबेज को खुद ही डिस्पोज ऑफ कर देना है, यहाँ से आप फेंकेंगे इसको गारबेज को कोई लेने के लिए नहीं आएगा। ये जी इनकी इस जगह पर कार्गो लिफ्ट लगी हुई है, 2 लिफ्ट आपको मैंने उस साइड दिखाई है, ये इनकी कार्गो लिफ्ट है और इसी तरह 2 लिफ्ट इनकी ऑपोजिट साइड के ऊपर है। सो जी आज आपको हमने टूर करा दिया प्रिशन 19 के अंदर, जो बैठो कराची ने 2 बेडरूम दिए थे जो कि 950 स्क्वायर फीट हैं, ऐसे जो 3 बेडरूम है वो 2250 और जो 4 बेडरूम जिसका एक ही टावर बना हुआ है टावर 4 वो है 2950 स्क्वायर फीट। ये सारे आपको मैं दिखा दिए, इसकी पार्किंग जो इनमें लिफ्ट लगी हुई है, जो यहाँ पर सहूलियात है, यहाँ पर तवाज़ो करीब में है, चैनक करीब में है, हॉस्पिटल करीब है,
स्कूल और बैठे का मेन गेट भी बिल्कुल साथ है। सो अगर आप भी बैठे हो कराची के अंदर अपना 2 बेडरूम 3 बेडरूम या 4 बेडरूम हासिल करना चाह रहे हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए, आइए और बहुत ही आपको शानदार डील दिलवा दें। नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।